बहुत ही सुंदर सा डिजाइन है। इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। और इस डिजाइन को बनाने के लिए देखिए, मैंने ये तीन तार वाली जिसके अंदर तीन धागे होते हैं ये मैंने बुन ली है, और यहाँ पे मैंने 9 नंबर की सिलाई ली है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। आप कोई भी बॉर्डर बनाइएगा, और इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें जो फंदे चाहिए वो फंदे हमें 8 के मल्टीपल, जैसे 8 गिनिएगा, फिर से 8, फिर से 8, फिर से 8, लास्ट में आपके 3 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए। यानी 8-8 के हिसाब से फंदे डाल के और 3 फंदे एक्स्ट्रा डाल लीजिएगा, 8 के मल्टीपल + 3 फंदे। 4 सिलाइयों का डिजाइन है, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। 4-4 सिलाइयों को जब आप रिपीट करेंगे तो देखिए इस तरह से बहुत ही सुंदर सा यूनिक सा डिजाइन इस तरह से बन के आएगा। जितना डिजाइन देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। इस डिजाइन को आप लेडीज कार्डिगन में, लेडीज जैकेट में, जेंट स्वेटर में, बेबी स्वेटर में, गर्ल्स टॉप में, कैप में, कुर्ती में, किसी में भी डालिए। ऑल प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा ये डिजाइन आपका बन के आएगा। 4-4 सिलाइयों को रिपीट करेंगे तो हमारा ये एक डिजाइन डल जाता है, फिर 4 रिपीट करेंगे, फिर 4, ऐसे बनाते जाएंगे तो बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनेगा। जैसे 5 फंदों में हमारा ये केबल वाला डिजाइन डलेगा, जाली वाला, और 3 फंदे हमारे गैप के, तो 8 के हिसाब से फंदे लेके और फिर हम इस डिजाइन को बनाएंगे। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिजाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। तो चलिए यहाँ से डिजाइन को बनाना शुरू करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम 3 फंदे लेंगे उल्टे, 1, 2, 3। अब धागा पीछे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रो है डिजाइन की, 3 फंदे हमने ये उल्टे बनाए। अब धागा पीछे करेंगे, अब आगे से 2 फंदों में सिलाई इस तरह से डाल लेंगे और 2 का 1 फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे। तो 1 फंदा हमारा यहाँ पे कम हुआ है, 2 का 1 किया है, तो ऐसे धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे, फिर से फंदा बराबर हो गया, फिर 1 फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से ऐसे धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे, फिर से यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। तो पहले इन फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे, फिर इसके बैक से सिलाई को डाल लेंगे इस तरह से, और बैक लूप से 2 का 1 सीधा फंदा बनाएंगे इस तरह। तो इन्हीं 8 फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, 1, 2, 3, धागा पीछे, फिर से 2 फंदों में सिलाई डाल लेंगे ऐसे, 2 का 1 बनाएंगे सीधा फंदा। 2 का 1 किया तो 1 फंदा कम हुआ, धागा घुमाया, जाली डाली, फंदा फिर से बढ़ गया, तो ये फंदा सीधा। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ऐसे जाली डालेंगे, घुमाएंगे और इन फंदों को स्लिप करेंगे, फिर इनके अंदर ऐसे सिलाई डाल लेंगे और बैक लूप से 2 का 1 बनाएंगे। तो 2 रिपीट कंप्लीट हुए। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, धागा पीछे, फिर से 2 फंदों में सिलाई डालेंगे, आगे से 2 का 1 बनाएंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे, जाली डालेंगे और ये फंदा सीधा बना लेंगे, फिर से ऐसे घुमाएंगे, जाली डालेंगे और ये 2 फंदे ऐसे स्लिप करके इस तरह से फंदे पलट जाएंगे और बैक लूप से 2 का 1 बनाएंगे। तो 3 रिपीट कंप्लीट हुए। अब लास्ट में आपके पास 3 फंदे होंगे, तो 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3। तो डिजाइन की फर्स्ट रो बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए सेकंड रो, दूसरी सिलाई। तो यहाँ से देखिए धागा अपनी तरफ करके और पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे, 2, 3, 4, इसी तरह से जाली वाला भी उल्टा ही और पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा ही बुन लेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है, इसको न्यू बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। जिनको थोड़ा सा भी बुनना आता है उल्टा सीधा, वो भी इसको बना लेंगे।
तो पूरी सिलाई को ऐसे सेकंड रो को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से बन के कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए सीधी तरफ तीसरी सिलाई। तो तीसरी सिलाई को देखिए कैसे बुनेंगे। जो तीन फंदे उल्टे हैं इनको उल्टा बनाएंगे, एक दो तीन, धागा पीछे करेंगे और फिर ये तीन फंदे सीधे, एक दो, ये पांच फंदे सीधे, सॉरी तीन नहीं पांच फंदे जिसमें डिजाइन डालना था, इन पांच फंदों को सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इन्हीं आठ फंदों को फिर से रिपीट करेंगे, एक दो तीन, धागा पीछे करेंगे, फिर से पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, धागा अपनी तरफ, फिर से तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, धागा पीछे, फिर से पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, लास्ट के तीन फंदे हैं इनको उल्टा बुनेंगे। तो डिजाइन की तीसरी सिलाई बनके हमारी ये कंप्लीट हुई। अब आ जाइए उल्टी तरफ रोंग साइड चौथी सिलाई। तो चौथी सिलाई को देखिए पूरी को ऐसे धागा अपनी तरफ करते हुए पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे, इस तरह से उल्टा उल्टा बनाएंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है, जितना देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। और पूरा प्रोजेक्ट बनने के बाद बहुत ही प्यारा डिजाइन ये बन के आता है। आप एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये डिजाइन बनाने के बाद कैसा लगा। तो ये पूरी सिलाई को हम बुन लेंगे। इस तरह से इस पूरी सिलाई को हमने बुन लिया। अब देखिए जो चार सिलाइयां हमने ये बुनी हैं, इन्हीं चार सिलाइयों को आप रिपीट कीजिएगा। इस तरह से डिजाइन बन के आएगा। तो एक बार मैं आपको इसको फिर से डाल के दिखा देती हूँ ताकि बुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तीन फंदे, एक दो तीन, डिजाइन के फिर से फर्स्ट रो है, ध्यान दीजिएगा, फिर से दो फंदे आगे से सिलाई डाल के दो का एक करेंगे, ऐसे धागा घुमाएंगे, इस बीच वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर धागा घुमाएंगे, इन दो फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे, दो के अंदर ऐसे सिलाई डाल लेंगे और दो का एक बैक लूप से बनाएंगे। अब फिर से सेकंड रिपीट, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, धागा पीछे करेंगे, अब देखिए ये दो फंदे हैं, आगे से सिलाई डाल लेंगे, दो का एक करेंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे, जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर ऐसे धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे और ये दो फंदे ऐसे स्लिप करके बैक से सिलाई डाल के दो का एक बनाएंगे, बैक से दो का एक बुनेंगे। दो रिपीट कंप्लीट हुए, धागा अपनी तरफ, फिर से एक दो तीन। आपके प्रोजेक्ट में जितने भी फंदे हों आप इसी तरह से बनाइएगा, तीन उल्टे, दो का एक, फिर जाली डालेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर जाली डालेंगे, फिर से दो फंदे स्लिप करेंगे, पीछे से सिलाई डालेंगे ऐसे और दो का एक बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ, लास्ट में तीन फंदे होंगे, इनको ऐसे ही उल्टा बुन लेंगे। तो ये दोबारा से डिजाइन मैंने आपको बना के दिखा दिया है ताकि बुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से देखिएगा बहुत ही सुंदर डिजाइन बनेगा। अगर आप इन चार चार सिलाइयों को बार बार रिपीट करेंगे
तो इस तरह से ये डिजाइन आपका बन के आएगा। देखिएगा बहुत ही सुंदर सा डिजाइन है, जितना डिजाइन देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको हमारा ये डिजाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।